आज की ताजा खबर, भारत की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द ही होगा। उसके लिए कुछ 7 अहम बातें हैं, आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं। कोविड-19 की पहली देसी वैक्सीन तैयार कर ली गई है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और भारत के बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। ICMR ने उन 12 संस्थान को पत्र लिखा है जहां इन वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। आप जानते हैं कोवैक्सीन से जुड़ी सारी बातें, चलो आइए देखते हैं ये बातें कौन कौन सी है। ICMR ने 12 संस्थाओं को पत्र लिखकर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 7 जुलाई तक लोगों को भर्ती कर लेने को कहा है। इसके अलावा इन संस्थाओं को अतिरिक्त कमेटी से आवश्यक मंजूरी लेने निर्देश दिए गए हैं। पत्र में निर्देशों को पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कोवैक्सीन और भारत के बायोटेक। हैदराबाद में स्थित भारत के बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन पर काम करने वाली 7 भारतीय कंपनी में से यह एक है। ये पहली कंपनी है जिसे वैक्सीन की क्षमता और सुरक्षा की जांच करने के लिए सरकार की ओर से पहले और दूसरे चरण को रेगुलेट करने की मंजूरी दी गई है। क्या आप जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल में लोग प्रायोगिक वैक्सीन पर टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लग सकता है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और कितनी असरदायक। आमतौर पर इस वैक्सीन की प्रक्रिया में 10 साल लग जाते हैं, बट WHO के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में लोग अपनी इच्छा से आते हैं। इसमें ड्रग्स, सर्जिकल प्रक्रिया, रेडियोलॉजिक प्रक्रिया, डिवाइसेज, बिहेवियरल ट्रीटमेंट और रोग निरोधक इलाज भी इसमें शामिल होते हैं।